जी हाय उन्नति फ्रॉम 9x मीडिया जी सॉरी सो यू नो द क्वेश्चन इज टू यू एंड श्रद्धा बोथ यू नो यू टॉक अबाउट हाफ गर्लफ्रेंड एंड यू टॉक अबाउट दैट हाउ इफ यू लुक एट द नॉवेल एंड एवरीथिंग इफ यू टॉक अबाउट इंडियन पेरेंट्स दे आर स्टिल दे स्टिल हैव दैट माइंडसेट दैट यू नो दैट वी डोंट अंडरस्टैंड द होल ओपन रिलेशनशिप हाफ गर्लफ्रेंड एंड एवरीथिंग सो कमिंग फ्रॉम बोथ ऑफ यू कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज व्हाट आर योर टेक ऑन दैट About our personal parents, yeah. As in our families. Yeah, about the whole concept of thinking about relationship. Like how Indian parents are still not half girlfriend. I don't think they'll be very happy if they say कि मैंने चार half girlfriend बना लिया, तीन boyfriend half. Yeah. So I think दो आधे आधे करके एक नहीं हो जाता है parents के लिए. Yeah, I haven't sat down with my family to discuss things beyond a point because I think they have faith, but maybe I'm one of the lucky few in terms of living and growing up in a city like Mumbai, the mindset of the family is also slightly different. If you talk about India on the whole, obviously, jo aapne kaha ekdam sahi kaha that parents have a certain reservation because they would like their children to find the correct partner and stick and stand by the person. My family has implicit faith in me. Eventually, jinko bhi main chununga, jab bhi chununga, main sahi reasons ke liye aur sahi ladki ko hi chununga. To ye discussion ghar pe baith ke hui nahi hai zyada. But I'm very certain about my family being respectful to my choice and trusting me see, and believing that I'm making the right decision. Beyond whatever they might feel, a family is eventually selfless. They want your happiness. So if I'm happy, then they will be happy. Arjun, wow, what a answer! Taliya, to bajaiye. Taliya. Arjun, she wants me also to answer this. मुझे लगता है कि हर generation के साथ कुछ ना कोई ना कोई बदलाव आता है एक सोच में एंड डेफिनेटली जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे कहानी बताई थी कि दे हैड एन अरेंज्ड मैरिज एंड ऑफ कोर्स वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट ऑल आर ग्रैंड पेरेंट्स और आर पेरेंट्स एंड इट्स इवन एग्जिस्टेंट टुडे कि अरेंज्ड मैरिज भी होता है लव मैरिज होता है कोई कोई पेरेंट्स होते कि दे आर अंडरस्टैंडिंग इफ द चाइल्ड इज इवन इन अ लिव इन रिलेशनशिप तो आई फील कि एक ये प्रोसेस है कोई कोई हिस्सों में इंडिया में देर इज़ अ लिटिल मोर ऑफ एन ऑर्थोडॉक्स कल्चर एंड ऑफ कोर्स इन इंडिया देर इज अ वे इन विच यू नो यू सी मैरिज एंड यू सी अरेंज मैरिज ऑल ऑफ दैट इज देयर बट देर इज ऑल्सो जैसे कि अर्जुन ने भी कहा कि यू नो इफ अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप खुश रहें आई मीन मैं अपने मॉम डैड से पूछती हूँ और एक्चुअली मेरे मॉम डैड भी मुझसे पूछते हैं कि लाइक यू नो जब भी रेगुलरली हम डिस्कस करते हैं अरेंज मैरिज और लव मैरिज और एक चर्चा होती है डिस्कशन होती है तो वी आई मीन आई जस्ट फील कि जो भी किसी वट एवर मेक्स एनी बडी हैप्पी चाहे वो अरेंज्ड हो या लव हो या जो भी हो दैट इज समथिंग दैट शुड बी डन किसी को नो बडी शुड फील हर्ट नो बडी शुड गेट हर्ट इन द बार्गेन इज वॉट आई फील अर्जुन श्रद्धा हाय ज्योति फ्रॉम ज़ूम लास्ट सवाल मेरा जी कहाँ हैं आप जी यहाँ पर आई लाइक ज्योति की आपने सबके लिए डिसाइड कर दिया कि लास्ट सवाल आप ही का होगा मुझे लास्ट में दिया गया जी मेरा सवाल ये है कि आप दोनों की लाइफ बहुत चर्चा में रहती है लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं चाहे फिल्म हो चाहे अफेयर्स हो चाहे कुछ भी हो पर्सनली आप क्या हाफ गर्लफ्रेंड पे बिलीव करते हैं और आपकी लाइफ में आप दोनों की लाइफ में हाफ गर्लफ्रेंड या हाफ बॉयफ्रेंड है है नहीं बिल्कुल बता दीजिए इधर ही यहाँ पर ही बस पर्सनल लाइफ की और चर्चा शुरू ना करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट मेरे पास्ट में ये सिचुएशन आ चुकी है तो हमने ये नहीं कहा कि सबके पास होनी चाहिए और सब रखते हैं हाफ गर्लफ्रेंड हाफ बॉयफ्रेंड कुछ रिलेशनशिप्स आते हैं चले जाते हैं यादें रह जाती है थॉट प्रोसेस में कोई याद आता है तो उसको डिफाइन नहीं कर पाते कि वो मेरा दोस्त नहीं था दोस्त से थोड़ा सा ज्यादा था पर हमारी रिलेशनशिप उस पार नहीं गई कि उसे पूरा नाम दे सके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का तो तब आप हाफ यूज करना शुरू कर सकते हो दैट इज व्हाट दिस फिल्म द टाइटल स्टैंड्स फॉर निजी जिंदगी में इस वक्त तो यार मैं पिछले सात हाफ गर्लफ्रेंड मैं सात हफ्ते से सिर्फ अपनी एक ही हाफ गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा था जब मैं लंदन में था और वो है श्रद्धा कपूर बस यही था यही है यही रहेगा बिजलिया हेलो हेलो Hello, who's speaking? Hello, 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 sir, hello. I really because you know there is a proceedings. Shraddha, आप बता दो कौन है? आपके आजकल काफी चल रहे हैं. खबरें चल रही मतलब. तो I think कि वो खबरें चल रही है क्योंकि मैं अर्जुन की half girlfriend हूँ. इसीलिए. And I would like to consider if any of you all have an open job opportunity, Chetan would like to join up. Because
जो सवाल कोई नहीं कर पाया वो चेतन ने कर दिया यार।